बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा उसामा और आप देख रहे हैं आशीष एम ब्लॉग्स। जी, मैं उठ गई थी और रूम वगैरह का मैंने सेट कर लिया, बेडशीट ठीक कर ली और यहाँ पे टाइम हो गया था 12:30। आज फ्राइडे है और आपको पता है फ्राइडे की क्या क्या मसरूफियात होती हैं, टाइम भी जल्दी जल्दी से गुजरता है क्योंकि जुमे की नमाज़ पढ़नी होती है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो मैंने कल वॉश किए थे वो रखे हुए थे तय लगाने के लिए, तो फिर मैं किचन में आई तो सोचा आटा गूंद लूँ। माश की दाल मैंने भिगो दी थी क्योंकि आज का मेन्यू माश की दाल था। यहाँ पर मैंने माश की दाल भिगो के प्याज कटिंग करके उसको फ्राई होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। ये आप गैस देख सकते हैं गैस की क्या कंडीशन है, ये फुल प्रेशर है। फ्राइडे को ऑटोमेटिकली गैस पता नहीं कम करती थी, क्या चक्कर है आई डोंट नो। देन मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स रेडी करके उसके अंदर ऐड कर दिए, वो मैं कैप्चर करना भूल गई। तो फिर उसके अंदर मैंने पानी डाल के गैस के प्रेशर को कम करके उसको रख दिया बनने के लिए। और यहाँ पे भी मैंने सोचा हस्बैंड के कपड़े आयरन करने वाले हैं जुमे की नमाज़ के लिए, उन्होंने जाना है तो क्यों ना उनके कपड़े आयरन कर दिए जाए। तो फिर मैंने उनके कपड़ों को आयरन किया, दैन ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी की। यहाँ पे दाल रेडी हो चुकी थी, दाल की कुछ यूं लुक थी, मिर्च और धनिया वगैरह मैं काट के डाल चुकी थी जिससे दाल की लुक बहुत मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पे मेस पे मज़े ही, किचन में काम करते हुए ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे मैं पराठा बनाने लगी थी, पराठा बना के ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद मैं काम वगैरह जो किए। ये मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर का बेटा मोहम्मद इस्माइल, ये मुझे तंग कर रहा था। इसकी मामा चाय मेरे लिए बनाने गई हुई थी। तो यहाँ पर कुछ टाइम यूँ हो चुका था कि 6:40 हो गए, फिर मैंने खाना वगैरह खाया। देन 10 बजे हमारी गैस चले जाती है, लेकिन हस्बैंड को भूख 11 बजे लगी थी, उन्होंने 11 बजे खा। तो फिर मैंने मिनी सिलेंडर रखा हुआ, उस पर मैंने फटाफट से 2 रोटियां बनाई, उनको खाना दी और यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।